बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर की गाइडेंस के जगह बना पाना इजी नहीं होता। फर्स्ट ब्रेक मिलने से लेकर राइट स्क्रिप्ट चूज करना और अपने लिए प्लान भी रेडी रखना और भी टफ टास्क माना जाता है। कृति घरबंदा एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी, पर फिर भी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने की बहुत बड़ी रिस्क ली और फिर से करियर की शुरुआत करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। पर उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट कृति सेल्फ डाउट को फाइट करना मानती है। कृति की जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक उनकी लाइफ के कुछ अनजाने किस्से मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कृति जब महज 2 साल की थी तभी उनकी माँ रजनी घरबंदा को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है और फ्यूचर में एक्ट्रेस बन सकती है। धीरे धीरे स्कूल डेज में उनके स्कूल मेट्स भी उन्हें कहने लगे कि वो किसी दिन एकता कपूर के सीरियल में हीरोइन बन सकती है। कृति की लाइफ उस टाइम काफी ड्रामेटिक हुआ करती थी और उन्होंने आमिर खान मनीषा कोइराला स्टारर मूवी का डायलॉग अपने एक क्रश को जाकर सुना दिया था। खैर जब उन्हें अपने क्रश से उस डायलॉग का काउंटर रिप्लाई नहीं मिल पाया तो उन्होंने उससे लड़ाई भी कर ली। कृति का जन्म 29 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था, पर उनके पेरेंट्स अर्ली डेज में ही उन्हें लेकर बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे। कृति बचपन में काफी शैतान हुआ करती थी। अपनी लाइफ के कुछ मेमोरेबल किस्से कृति शेयर करती रहती है। ऐसा ही एक किस्सा कृति ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब उनके कजन्स ने उन्हें झूठ बोलकर भांग पिला दी थी और उनके पेरेंट्स को लगा कि वो बीमार हो गई है। साथ ही रोड पर जाते लोगों पर 4th फ्लोर से पानी के गुब्बारे फेंकना उनकी शैतानियों में शामिल था। कृति बताती है कि उस टाइम रिलेटिव से जब 100-200 रुपए मिला करते थे तब उन्हें उससे बहुत खुशी हुआ करती थी, बट बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि बचपन में वो जितनी एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी बाद में उन्हें वही लोग कम ही अच्छे लगने लगे और वो काफी इंट्रोवर्ट होती चली गई। कृति के फादर अश्विनी खरवंदा ने घर का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह रखा हुआ था कि वहाँ बस हिंदी में बात करना ही अलाउड था। कृति बताती है कि उनके फादर खुद भी हमेशा हिंदी में ही बात किया करते थे और इसी वजह से उनकी हिंदी लैंग्वेज पर कमांड इतनी अच्छी रही है। कृति ने वैसे तो कॉमर्स फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से कम्प्लीट की, पर साइमल्टेनियसली उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स भी कम्प्लीट किया। बचपन से ही कुछ एक्साइटिंग सा करने और क्रिएटिव चीजें सीखने की शौकीन रही कृति ने अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग क्लासेस में टॉप भी किया और कैनरा बैंक की तरफ से उन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ कॉलेज का अवार्ड भी दिया गया था। कृति जब 5 साल की थी तभी से काफी आइसक्रीम लाइफस्टाइल स्टोर कमर्शियल्स में वो काम कर चुकी है। इसके अलावा काफी शोरूम्स में वो प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले के लिए एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर भी काम किया करती थी। उनका टाइम उस टाइम दूर से ही अट्रैक्टिव दिखना हुआ करता था जिससे कस्टमर्स की निगाहें उनके सामने रखे प्रोडक्ट पर टिक जाए और उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए। बाद में 6 महीने तक उन्होंने एक फैक्ट्री में एज अ फैशन डिजाइनर भी काम किया। कृति को भले ही बचपन से सब एक्टिंग फील्ड में जाने वाली बात कहा करते थे, पर कृति खुद एक कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करने की वजह से इन बातों को इग्नोर करके पढ़ाई पर फोकस्ड रहती थी। वो बताती है कि उनका एम शादी करके हाउसवाइफ बनना हुआ करता था, बट लकीली चेन्नई में एक बार तेलुगु फिल्म डायरेक्टर राज पेपाला की नज़र सुपरमार्केट में लगे एक बिलबोर्ड पर पड़ी और उन्होंने कृति को अपनी मूवी बॉनी के लिए सेलेक्ट कर लिया। कृति के इस न्यू जर्नी के लिए उनकी माँ ने ही उन्हें एनकरेज किया था। उस टाइम उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करने के लिए कभी नहीं सोचा था। उस टाइम उनका मेजर गोल बस न्यू लैंग्वेजेस सीख कर पैसा कमाना हुआ करता था और अपने इसी ड्राइव की वजह से उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल काफी नाम कमाया। कृति को रिकॉग्निशन उनकी रोमांटिक कॉमेडी कन्नड़ मूवी गूगली से मिली, जिसमें क्रिटिक्स ने उन्हें काफी प्रेज किया था और उन्हें सोल ऑफ द मूवी की टैगलाइन भी दी गई थी। वो मूवी उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी साबित हुई और मूवी ने 15 करोड़ से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अपनी फर्स्ट मूवी बॉनी के लीड एक्टर सुमंत कुमार के साथ उनका नाम लिंकअप्स की खबरों में आया था, बट कृति ने ये कहकर इन बातों को नकार दिया था कि वो बस अच्छे कॉफी फ्रेंड्स हैं। बट सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोनों 4 साल से भी ज्यादा टाइम तक एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और 2012 में सुमंत के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कृति ने हैदराबाद में एक घर भी खरीदा था। लेटर ऑन उनको राज मूवी में उनके को एक्टर और एक्ट्रेस कृति सेनन के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके एक्टर गौरव अरोरा के साथ शूटिंग के दौरान काफी टाइम तक साथ टाइम स्पेंड करते देखा गया। जब उनसे रिलेशनशिप के कंफर्मेशन के बारे में कृति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर की लाइफ में ये बातें बहुत कॉमन है और जब वो किसी को डेट सच में करेंगी तो वो ओपनली इसे एक्सेप्ट भी कर लेंगी। और एक्टर पुलकित सम्राट के साथ उनके रिश्ते का सच उन्होंने काफी लंबे टाइम तक छुपाने के बाद फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया।
बट दोनों ही अभी अपने करियर की पीक पर है और इसी वजह से वो अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रीति एक्ट्रेस हिना खान को दो थप्पड़ खाएगी लाइन बोलने की वजह से काफी ट्रोल की गई थी। बात तब की है जब हिना खान ने बिग बॉस में साउथ मूवीज में ना जाने का रीजन वहां के एक्ट्रेसेस को बल्जिंग रोल्स में ही दिखाया जाना बताया था। इस पर कृति, जो कि 10 सालों तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी है, उनका कहना था कि रोल्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वहां एक्ट्रेसेस से वेट गेन करवाने की डिमांड की जाती है। इट डजंट मीन कि साउथ की एक्ट्रेसेस मोटी रहती है या उन्हें जानबूझकर बल्जिंग दिखाया जाता है। हिना के फैंस जो उनके सपोर्ट में थे, उनका मानना था कि हिना ने जनरल वे में अपनी बात रखी थी, उनका साउथ की एक्ट्रेसेस को लेकर कोई मजाक उड़ाने जैसा प्लान नहीं था। कृति ने ही उस बात को नेगेटिव वे में लेकर उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। कृति का नाम वैसे तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आता, पर उन्हें बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टाफ मेंबर से हैरेसमेंट फेस करना पड़ा था और अपने लगेज के एक्स्ट्रा मनी पे करने पड़े थे। दरअसल स्टाफ मेंबर से जब कृति ने एक्स्ट्रा मनी डिमांड करने की वजह जाननी चाही तो स्टाफ ने उन्हें जवाब देने की बजाय आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। वो बात काफी आगे बढ़ गई थी जिसकी कंप्लेंट बाद में कृति ने सोशल मीडिया के थ्रू भी शेयर की। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी का सामना कृति को अपनी मूवी चेहरे एग्जिट करने पर करना पड़ा था। कृति ने अमिताभ बच्चन स्टारर वो मूवी कुछ इंटीमेट सीन की वजह से ठुकरा दी थी, जो करना उन्हें उस मूवी में नेसेसरी पार्ट बिल्कुल नहीं लगा था। इस बात पर कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि कृति पास्ट में ये बयान दे चुकी थी कि यदि किसी मूवी में पॉर्न एक्टर का रोल भी उन्हें प्ले करना पड़े तो किसी का भी इतना हक नहीं बनता कि उन्हें कोई जज करे। अब ऐसे बयान के बाद चेहरे मूवी ठुकरा देने का रीजन किसी को समझ नहीं आया और अपने पॉर्न एक्टर वाले बयान के लिए भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स कृति खरबंदा की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।